प्रयास किया और जिसने मेरे जीवन पथ को एक दिशा दी, आपके सामने रखना चाहूँगा। चाहे वो आपको हो सकता है कि कुछ अनुभूति दे जाए। वो लाइनें हैं, गमों की आँच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आँच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे मन की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। ये वो लाइनें हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम उसके अंतर्निहित भावों को अपने जीवन में उतारें और निरंतर कटिबद्ध रहें उस पीड़ित मानवता के लिए, किसी के पाँव का कांटा निकालने के लिए, तो आज उस महापुरुष के लिए जिसके महापरिनिर्वाण दिवस पर हम यहाँ एकत्रित हैं, उसके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और श्रद्धांजलि ही नहीं होगी बल्कि आज जो ये दिवस संकल्प दिवस रूप में मनाया जाता है, उसके लिए एक सबसे बड़ा संकल्प भी होगा। हम अगर देखें विगत का सिंहावलोकन करें साथियों, तो हम ये पाते हैं कि बाबा साहब ने अपना सारा जीवन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और दबे कुचले लोगों के लिए, हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए उत्सर्ग कर दिया और आजीवन वो उन्हीं के लिए लड़ते रहे, उन्हीं के लिए संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते हुए वो चिरनिद्रा में 6 दिसंबर 1956 को विलीन हो गए। आज वो पुण्यतिथि है जब हम उनको स्मरण करने के लिए यहाँ आए हैं, उनको याद करने के लिए आए हैं। हम अगर सोचें तो हमें यह लगता है कि अगर उन्होंने ये सब किया दलितों, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, तो उसका क्या प्रमाण है? उनके जीवन का पूरा पूरा जो आयाम है वो किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान की सभा में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं संविधान सभा में आया था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और दलितों के हितों की रक्षा के लिए, और उनकी रक्षा से अधिक मेरी कोई और सोच नहीं थी। लेकिन मुझे इस संविधान सभा ने प्रारूप समिति में चुना, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। और जब प्रारूप समिति ने मुझे उसका चेयरमैन चुना, उसका अध्यक्ष चुना, तो मेरे लिए ये उससे भी बड़े आश्चर्य की बात थी और उस आश्चर्य की सीमा मेरी सोच से भी परे थी। तो ये बाबा साहब ने स्वयं कहा है संविधान के अपने असेंबली डिबेट में, फर्स्ट असेंबली डिबेट में, जो 25 नवंबर 1949 को हुआ था। यद्यपि बाबा साहब का संपूर्ण वांग्मय और उसका आयाम बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, और उसके आयाम को शब्दों में समेटा नहीं जा सकता, तो उस पर जितना ही शोध किया जाए, जितना ही रिसर्च किया जाए, वो कम है, बहुत ही कम है। लेकिन आज हमने जो विषय चुना है परिचर्चा के लिए, आप देख रहे हैं वर्तमान संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर, मजदूर आंदोलन से धार्मिक आंदोलन तक, या अंग्रेजी में अगर कहें तो डॉक्टर अंबेडकर इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, लेबर रिवॉल्यूशन, लेबर मूवमेंट टू स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। ये जो विषय हमने चुना है वो उनके उस आयाम को कम करने के लिए नहीं था, ये हमारी मंशा नहीं थी। लेकिन अगर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व पर हम चर्चा करें तो शायद हो सकता था कि वो बहुत विस्तृत होता, इसलिए हमने परिचर्चा को सीमाओं में बांधने की कोशिश की। यद्यपि बाबा साहब ने 1917 में अस्पृश्यता के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया था,
लेकिन 1936 में उन्होंने इस मजदूर आंदोलन की शुरुआत की और वहाँ से अपने संघर्ष को शुरू किया। और आप सभी लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि रेलवे मजदूर के लाखों की यूनियन के हड़ताल को उन्होंने दिशा दी। दूसरे मजदूर, बॉम्बे के मजदूर यूनियनों के साथ उन्होंने मजदूरों के हितों के लिए लड़ाई ली और निरंतर संघर्ष करते रहे। और 1936 से 1956 तक का जो 20 साल का समय था, वो उनके संघर्षों को एक परिणाम, सार्थक परिणाम मूलक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कालखंड था। और उस कालखंड का में ही उन्होंने अपने जीवन के उन लक्ष्यों को एक समुचित दिशा देने की कोशिश की और एक समुचित परिणाम दिया, एक संविधान दिया जो हमारे सामने है और जो आज हमारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हमारे राष्ट्र की अस्मिता है और हमारा मार्गदर्शक है। हमने अगर देखें तो बाबा साहब ने जिस समय अपनी बातों को कर रहे थे, जिस समय अपने भाषणों को दे रहे थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा था अपने लोगों के लिए, उनको ये पीड़ा थी कि मैंने जो कदम उठाए हैं, जो संघर्ष हैं किए हैं, जो मजबूरियां मैंने उठाई हैं, जो कठिनाइयां उठाई हैं, और उसका हश्र क्या होगा, उसकी उनको चिंता थी। उन्होंने कहा है अपने लोगों से कि मैंने इस कारवा को बहुत मुसीबत के साथ, बहुत तकलीफ उठा करके यहाँ तक ले आया हूँ, और साथियों यदि इस आप कारवा को हमेशा आगे बढ़ाते रहना, अगर आप आगे उसको ना बढ़ा सकें तो कम से कम उसे यहीं छोड़ देना, उसे कदापि पीछे मत ले जाना। यह उनका संदेश था हमारे लिए। और उस कारवा को आगे बढ़ाने के सिलसिले में ही हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमें ही नहीं, सबसे खुशी की बात है कि आज पूरे विश्व में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोलंबिया हो, चाहे यूएनए हो, सभी, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, सभी जगहों पर आज बाबा साहब को स्मरण किया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है और उनका परिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। ये बाबा साहब के व्यक्तित्व की विशालता का एक जीता जाता उदाहरण है, हमें इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, हम आज इस घड़ी में निश्चित रूप से ये मानते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है, वो संविधान का परिपालन ही संविधान का सबसे बड़ा सम्मान है। अगर संविधान का पालन नहीं होता है तो निश्चित तौर पर संविधान का सम्मान नहीं है। और बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि संविधान का परिपालन करना, संविधान को लागू करना तभी संभव है जब लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी हो, संवैधानिक नैतिकता हो। और बिना संवैधानिक नैतिकता के कदाचित संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। और आज संविधान की अस्मिता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। संविधान को, अस्मिता को बचाने के लिए सबसे बड़ा दायित्व उन लोगों का है जिन लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए कदम उठाया था, जिन लोगों ने बाबा साहब के कारवां को आगे ले जाने का संकल्प लिया था और आज भी संकल्प ले रहे हैं। यद्यपि प्रतीकों के सहारे बाबा साहब को हाईजैक करने की कोशिश भी की होती है, लेकिन हम मानते हैं कि इससे उनकी विशालता बढ़ती जा रही है, उनको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन हमें अपने इन संदेशों को हमेशा निरंतर सोचते रहना है, हमेशा इसको देखते रहना है और उस पर हमें चलने की ज़रूरत है। अगर जो वर्तमान परिवेश है, जिस तरह से हम लोग समाज में, राजनीति में, और जिस तरह से हम जुडिशरी में, कोर्ट में देख रहे हैं संविधान को खंडित करने के लिए जगह जगह पर प्रयास हो रहे हैं, ज़रूरत इस बात की है कि हम एक सूत्र में बंध करके, एक बद्ध होकर के इस संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। आज की जो परिवेश में जो राजनीति है, उस राजनीति के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा
दो शब्दों में कि इस दौरे सियासत का, इस दौरे सियासत का इतना ही फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। तो जब ये भूमिका हो, जब ये सोच हो, तो निश्चित तौर पर संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। संविधान की रक्षा के लिए निश्चित तौर पर हमें संघर्ष करना पड़ेगा, वो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, वो आग जलानी पड़ेगी, जो आग जला करके हमने अपने हितों की रक्षा विगत में की है और आगे भी करते रहेंगे। तो अंत में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय की सीमा मेरे लिए भी लागू होती है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।